हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल खबर आउट में आप सभी का स्वागत है। आज आप देखेंगे कि शिखा और चिन्मय का रिश्ता टूटने की कगार पर है, जिससे शिखा परेशान है। उसे लगता है कि उसके पास चिन्मय से अलग होने के अलावा, अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो उसे मुक्त करने के लिए तलाक चाहता है। इस कठिन क्षण में सावी आगे आती है और शिखा से एक वादा करती है। जैसे ही चिन्मय हस्तक्षेप करता है और शिखा को आत्महत्या का प्रयास करने से रोकता है, सावी शिखा को आश्वासन देती है कि वह उसके और चिन्मय के बीच चीजों को सुधारने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी, भले ही इसके लिए उन्हें अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाना पड़े। ईशान और सावी के संभावित रोमांस में रुकावट आ गई है। ईशान के ईमानदार कबूलनामे के बाद उनके अच्छे रिश्ते की संभावना कम हो गई है। उसने अपना अपराध प्रकट किया, जिससे सावी का दिल टूट गया, जिससे वह एक बार फिर उससे नाराज हो गई। हालांकि रीवा की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई, सावी और ईशान के बीच तनाव फिर से उभर आया है। स्वाभाविक रूप से इससे रीवा खुश हो जाती है, क्योंकि वह एक बार फिर उसके साथ एक सुखद भविष्य की कल्पना करती है। अब तक की कहानी। अन्वी ने सावी को बताया कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी और उनके घर को बरकरार रखने की कामना की थी। वह सबूत के तौर पर सावी को एक पत्र दिखाती है। अन्वी बाद में पूछती है कि क्या सावी के मन में ईशान के लिए भावनाएं हैं, जिस पर सावी सकारात्मक जवाब देती है। अन्वी फिर पूछती है कि क्या सावी ने ईशान से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। इस पर सावी बताती है कि उसने व्यवस्था कर ली है, लेकिन ईशान अभी तक घर नहीं लौटा है। ईशान की अंतरात्मा ने उसका विरोध किया और कहा कि यह परिणाम अपरिहार्य था, क्योंकि उसने सावी से शादी करने का फैसला किया था। यह सवाल करता है कि वह सच्चाई का खुलासा किए बिना सावी के प्यार को रोकने की योजना कैसे बना रहा है। जवाब में ईशान ने घोषणा की कि सावी के प्रति उसके व्यवहार से वह उससे प्यार करना बंद कर देगी।